नमस्कार दोस्तों, हैप्पी मदर्स डे। आज हम मदर्स डे के स्पेशल डे पे हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन, जो कि बिना मावे के बिना खोए के बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप मिल्क पाउडर, जो कि मैंने अमूल का पाउडर लिया हुआ है, और 3 कप हमने लिए चीनी, 1/2 कप हमने दूध लिया हुआ है जो कि गाय का शुद्ध दूध है, और ये 4 चम्मच मैदा लिया हुआ है, 3 चम्मच गाय का शुद्ध देसी घी लिया हुआ है, और 1/4 चम्मच 1/4 चम्मच हमने बेकिंग पाउडर लिया है, और 1 चम्मच हमने इलायची पाउडर जो कि अभी हमने पीसनी है। सबसे पहले हमने पैन लिया और उसमें दूध डाला। दूध डालने के बाद उसमें हमने ये मिल्क पाउडर डाला है, जो कि थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से इसको मिलाएंगे, फैटते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। तो अब हम इसको अच्छे से चम्मच से हिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एकदम से सारा डाल देंगे तो सारा इकट्ठा हो जाएगा आटा और सारी गिल्टियाँ सी इसमें बन जाएंगी। तो अब हमारा ये पूरा हमने पाउडर डाल चुके हैं और सारे लम्स भी हमारे ख़त्म हो चुके हैं, तो काफ़ी देर तक हिलाना है। तो आज मदर्स डे है, तो ये नहीं है कि आज मदर्स डे इसीलिए हम बना रहे हैं। मदर्स डे तो हमारे लिए डेली होता है, रोज़ ही होता है। मदर है हमारी, माँ है हमारी, जननी है, जिसने हमें जन्म दिया है, तो वो हमारे दिल से कभी नहीं निकल सकती है। माँ के लिए हमारे दिल में सबसे ऊपर स्थान है, भगवान से भी ऊपर स्थान है। तो आज बच्चों ने जिद करी कि हमें भी कुछ सिखाओ, तो मेरी बेटियों ने कहा कि भाई हमें कुछ सिखाओ, तो आज उनके लिए कि भाई इसी डे के उन्होंने मुझे विश किया, तो आज मैंने कहा चलो उनको बताते हैं कि आज मुंह मीठा करते हैं गुलाब जामुन से। तो अब हमारा ये जो बैटर है तैयार हो गया है पूरा अच्छे से। पूरा 1.5 कप जो हमने मिल्क पाउडर लिया था वो 1/2 कप में दूध में पूरा घोल लिया है। पूरी गिल्टियाँ हमारी ख़त्म हो गई है, पूरे लम्स ख़त्म हो चुके हैं। हमने जो ये पाउडर लिया है ये अमूल का लिया है, और ये टेस्ट में बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी वाइज भी बहुत ही अच्छा है। आप जब खुद बनाओगे, खुद ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा। और जो दूध है वो गाय का प्योर दूध है, तो आप इसी में ही बनाइए, ट्राई कीजिए, तो आपको बहुत ही इसके रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। अब हमने इसमें 3 चम्मच गाय का देसी शुद्ध घी डाला है, क्योंकि इसमें जो हम ये अब हमारा खोया बन रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही जैसा कि बताया कि खोया और बिना मावे के है, तो ये हमारा खोया बन गया है। अब हमने दूसरी तरफ चाशनी बनाएंगे, तो पतीला रखा और उसके अंदर ये चीनी डाल दी। 3 कप हमारी चीनी है, तो इसमें 1.5 कप हमने पानी डाला है। अब हम इसको उबाल आने तक अच्छे से पकाएंगे। इसमें हमने 1 तार या 2 तार की ऐसा नहीं बनाना है, सिर्फ चीनी घुलने तक ही हमने इसको उबाल देना है। अच्छा सा उबाल आ जाएगा और फिर उसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे। और इसमें अच्छे से अब चीनी घुलने लग गई है, मेल्ट हो गई है हमारी चीनी, और वहाँ पे हमारा खोया भी तैयार हो गया है। अब हमने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है। अब 1 उबाल आने तक हम इसको गैस पे रहने देंगे, और जो हमने खोया बनाया है उसमें फैट बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए उसमें फैट आने के लिए ही हमने 3 चम्मच घी डाला है, और अब हमने ये 4 चम्मच मैदा डाला है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप देसी घी नहीं खाते हो या ज़्यादा मतलब फैट नहीं चाहते हो, तो आप वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हो। तो अब हम इसको अच्छे से मैदा डालकर बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, इसका डो तैयार करेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट डो होना चाहिए, और अच्छे से मसलेंगे आटे को, खूब मसल मसल के इसको डो तैयार इसका करना है। ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए इसका बैटर, जो है बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। आप देख ही रहे हो कि कितना सॉफ्ट है ये। अभी हमारा ये खोया हो गया बहुत अच्छे से, तो हमारा ये सॉफ्ट आटा बिल्कुल सॉफ्ट तैयार हो गया है,
और ये अब हमारा खोया ही तैयार हुआ है, क्योंकि मार्केट वाला खोया है और इस खोए में बहुत फ़र्क है। उसमें बहुत प्रिजर्वेटिव डालते हैं, बहुत मिलावट है। आजकल मार्केट का खोया लेना खतरे से खाली नहीं है, तो वो तो ज़्यादा दिन हमारे गुलाब जामुन एक दिन दो दिन तो चलेंगे नहीं, हफ्ते तक आप खा सकते हो। अगर आप इस टेक्निक से बनाओगे, ये मिल्क पाउडर से और घर की शुद्ध चीज़ों से बनाओगे, तो बहुत फ़ायदा रहेगा। कोई बीमारी नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं। वहाँ वो मार्केट का खोया तो आजकल बहुत नुकसानदायक है, न जाने उसमें क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं। तो आप ऐसे मिल्क पाउडर से और अमूल का मिल्क पाउडर, गाय का शुद्ध घी, गाय का शुद्ध दूध हो तो उसका बनाइए और खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो अब हमारा आटा तैयार हो चुका है और अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। एक ही साइज़ के हमने सारे पेड़े इसके तैयार कर लेने हैं। और दूसरी तरफ हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है और उसमें ऑयल डाल दिया है, और ये बिल्कुल सिम आंच पर ही हमने तलने हैं, फ्राई करने हैं, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं, क्योंकि एक तरह से ये खोया है, खोया यानी कि दूध का सारा काम है इसके अंदर। तो ज़्यादा तेज़ आंच होगी तो बिल्कुल जल के राख हो जाएंगे, ये कोयला हो जाएंगे। तो इसमें बिल्कुल सिम आँच रखनी है, इसके बिल्कुल छोटे छोटे गोले ही बनाने हैं, क्योंकि जैसे ही ये फ्राई करेंगे तब भी ये फुलके कुप्पा हो जाएंगे। जैसे कोई नाराज़ होता है तो कैसे फुलके कुप्पा हो जाता है, उसी तरह ये फुलके कुप्पा होएंगे। और उसके बाद हम इसको चाशनी में डालेंगे तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे कि हमें देखो इतनी सज़ा मिल रही है कि हमें गर्म गर्म कढ़ाई में डाल दिया। तो दोस्तों इसीलिए कि आप इसको छोटे ही लेना, ताकि गुलाब जामुन ज़्यादा मात्रा में भी बने और छोटे एक ही साइज़ के अच्छे भी रहेंगे और अच्छे से सब खा सकेंगे। तो आप इसके छोटे छोटे पेड़े लेना और अच्छे से फ्राई करना, बिल्कुल सिम आंच पर, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। अब हमारे ये गुलाब जामुन जो है गोल्डन ब्राउन हो गए, तैयार हो गए। अब हम ये चाशनी में डालेंगे और चाशनी में कम से कम 2 घंटे तक इसको डूबे रहना चाहिए, तभी इसका आपको बेस्ट रिजल्ट तभी आप ले पाओगे इसका। तो अब हमने इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लिया और ऊपर नारियल बुरादे से गार्निश कर दिया। तो इसका आप वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक।